नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। शिक्षा विभाग में 90,000 से भी ज़्यादा पदों पे PGT, TGT, PRT शिक्षकों की बम्पर भर्ती और 2,000 नए स्कूल भी खोले जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, आज के समय अगर 2,000 नए सरकारी स्कूल खुलते हैं तो मायने रखती है ये बात। बाकी 90,000 से भी ज्यादा पदों पे शिक्षकों की भर्ती, और शिक्षकों की भर्ती का आप ये ने वीडियो देखते ही समझ गए होंगे कहाँ से आ रही है ये रिक्रूटमेंट भी। हाँ जी दोस्तों, पूरे देश में सिर्फ गिने चुने राज्य हैं जहाँ शिक्षकों की भर्तियां निकाली जा रही हैं, नहीं तो पूरे देश में जैसे अकाल आया हुआ है रिक्रूटमेंट निकाल के कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी राज्य सरकार खुश ही नहीं है। पता नहीं बच्चे पढ़ाने नहीं हैं या सरकारी स्कूल बंद करने हैं, क्या पॉलिसी है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर यहाँ इस राज्य में लगातार रिक्रूटमेंट आ रही है, एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और यहाँ एक अपडेट और आई है निकल के, इसको भी बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। और ऑल ओवर इंडिया अगर एलिजिबल हैं, कंसर्न सब्जेक्ट आपके पास है, तो आप यहां आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, पूरी न्यूज देखते हैं बिल्कुल विस्तार से। टाइम्स नाउ की तरफ से आ रही है राजस्थान टीचर्स रिक्रूटमेंट। सीएम गहलोत अनाउंसेस ओवर 90,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। डेट देखिए 19 मई 2022। और इसी न्यूज को हिंदी में देखते हैं जो कि दैनिक भास्कर के द्वारा पब्लिश की गई है। शिक्षा विभाग में होगी 90,000 से ज्यादा भर्तियां। सीएम गहलोत बोले 2023 तक प्रदेश में खुलेंगे 2,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। आगे देखिए, राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्टिव हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा विभाग में लंबित चल रही भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर मंथन किया गया। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में 2,000 महात्मा गांधी स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बैठक में अगले एक साल में शिक्षा विभाग में 90,000 से भी ज्यादा टीचर्स के पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ नामांकन का लक्ष्य है। दोस्तों, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अभी हाल फिलहाल 98 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रदेश में 749 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं। ऐसे में 2023 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश के गांव और शहरों में 2,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने हैं। इसके साथ ही गहलोत ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 टीचर्स के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आदेश दिया। 94,845 पदों पर होगी भर्ती। इस दौरान शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने बताया कि शिक्षा विभाग ने में दिसंबर 2018 से अब तक विभाग में 64,706 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 24,966 पदोन्नतियां की गई हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में टीचर्स के 94,845 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 15,500 पदों पर जिला परिषदों द्वारा 25 मई तक नियुक्ति कर दी जाएगी। तो ये दोस्तों अपडेट है लगातार। बाकी राजस्थान में रीट के फॉर्म निकले हुए हैं, आपको पता ही है, उसके माध्यम से 41,500-42,000 पदों पे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उसी के साथ साथ PGT की बम्पर भर्ती आई हुई है, TGT की भी भर्ती आई हुई है राजस्थान में। तो दोस्तों, राजस्थान में सभी सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स की वैकेंसी या रिक्रूटमेंट अभी हाल फिलहाल में आई हुई है। उम्मीद करते हैं राजस्थान की तरह बाकी राज्यों की भी नींद खुले, वो भी अपने अपने राज्यों में शिक्षकों की भर्तियां निकालें। बाकी अपडेट एक दो जगह से ही आती हैं और कहीं से आ नहीं रही। बाकी KVS की रिक्रूटमेंट का भी कोई अता पता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।